आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ ऑफ मेन के बारे में। मेंटल हेल्थ अगर हम देखें तो बहुत ही कॉमन बीमारी है। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि हर 4 लोगों में से एक बंदे को किसी न किसी फॉर्म की मेंटल हेल्थ की बीमारी है। मर्द हजरात में थोड़ी सी बीमारियां डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनका कोप करने का तरीका डिफरेंट होता है और वो अक्सर अपनी तकालीफ को एक्सटर्नलाइज करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं अपने आप से। तो वो जब एक्सटर्नलाइज करते हैं तो वो गुस्से की फॉर्म में, चिड़चिड़ेपन की फॉर्म में आ जाती है। हर 5 बंदों में से 2 बंदे ऐसे होते हैं जिनको आप डायग्नोज कर सकते हैं किसी न किसी मेंटल हेल्थ के साथ, मगर वो कभी भी डायग्नोज नहीं हो पाते। उनमें वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं मगर वो मिस हो जाते हैं डायग्नोसिस उनकी। इसी तरह जो लोग डायग्नोज हो जाते हैं उनमें से 3 में से 5 लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉन्टैक्ट ही नहीं करते किसी सर्विस के साथ। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देखें तो कहा जाता है कि मर्द हजरात में खुदकुशी की स्टैटिस्टिक्स औरतों से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। जनरली पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो मर्द हजरात एज ब्रेड विनर्स कंसिडर किए जाते हैं। तो जब आपके ऊपर इस तरह की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो कुछ लोग मेंटल इलनेसेस को एक कमज़ोरी का साइन ले लेते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं किसी को ये बोलूँगा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो वो मुझे कमज़ोर समझेंगे, सोसाइटी मुझ पर हंसेगी, सोसाइटी ताने देगी, और लेबल भी लग जाते हैं हमारी सोसाइटी में मेंटल इलनेसेस पे। तो उसकी वजह से भी मर्द हजरात बहुत रिलक्टेंट होते हैं कि वो किसी से जाके हेल्प सीख करें। बहुत सी सर्विसेज अवेलेबल हैं अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को किसी किस्म की कोई मेंटल इलनेस है, तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, चाहे वो फिजिशियन हो चाहे कोई और स्पेशलिस्ट हो। अपने आपका जो सोशल नेटवर्क है, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपने मसले मसाइल। अगर इससे भी काम नहीं होता या इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं जिनसे आपकी मेंटल इलनेसेस कम होंगी, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल स्ट्रेस बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको रिलीफ मिलती हो, जैसे एक्सरसाइज हो, जैसे कोई हॉबी हो, जैसे राइटिंग है, रिलीजन है, रीडिंग है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कुछ लोग पेट्स मेट्स पालते हैं, वो सारी चीज़ें आपको रिलैक्सेशन देती हैं, आपको काम करती हैं। साथ में एक जैसे यूनिवर्सली हम एडवाइस करते हैं कि एक अच्छी डाइट, एक अच्छे नींद का पैटर्न, एक अच्छा सोशल सर्कल, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके स्ट्रेस को कम करती हैं। कोशिश ये भी होनी चाहिए कि बजाय इसके कि हम अच्छे कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को इस्तेमाल करें, हम वो जो माल अडाप्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको ना इस्तेमाल किया जाए, जिसमें ड्रग्स आ जाते हैं, जिसमें अल्कोहल आ जाता है। अगर आपको कभी अल्लाह ना करे आपको इतनी ख़राब बीमारी हो गई है या आपकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो गई है कि आपको नेगेटिव थाट्स आ रही हैं, सुसाइडल थाट्स आ रही हैं, ख़ुदकुशी की सोचें आ रही हैं, तो अपने आप को, अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए आपको चाहिए कि आप जल्द अज जल्द किसी से कांटेक्ट करें, किसी से बात करें। हम मौजूद हैं, हमारे पास आ सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल में हम हैं, मैं भी हूँ, हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो साइकाट्रिक, हमसे ज़रूर रजू करें और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। थैंक यू।